अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, हमारा सवाल फिर से कुर्बानी के ताल्लुक से है कि कुर्बानी का गोश्त और अकीके के गोश्त के ताल्लुक से क्या हुक्म है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल है कि कुर्बानी और अकीके के गोश्त का क्या हुक्म है। इसके हवाले से अर्ज है कि फुकाहे किराम ने यह लिखा है कि कुर्बानी का गोश्त हो या अकीके का गोश्त, दोनों के सिलसिले में बेहतर यह है कि उसके तीन हिस्से करें। एक हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दे और एक हिस्सा दोस्तों अहबाब में तकसीम कर दे और एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए रख ले, खुद भी खाए बच्चों को खिलाए। यह मुस्तहब और बेहतर तरीका है। अलबत्ता फुका फरमाते हैं कि अगर घर के अफराद ज्यादा हैं तो कुर्बानी के गोश्त को पूरा का पूरा अपने घर में भी इस्तेमाल करना जायज़ है। और अगर कोई चाहे कि पूरे गोश्त सदका कर दे, तकसीम कर दे, बांट दे, तो ये भी जायज़ है। लेकिन फुका फरमाते हैं बेहतर है थोड़ा एक हिस्सा, थोड़ा गोश्त अपने लिए भी रखे, खुद खाए अपने बच्चों को खिलाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।